सलामकुम, वालेकुम सलाम। आप फरजाना है घर पर? फरजाना है घर पर? हाँ जी, और कौन कौन बोल रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? मैंने पाकिस्तान से कॉल कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मैं एहसन बोल रहा हूँ, एहसन चौधरी। हाँ हाँ फरजाना जी है मेरी, एक्चुअली जो है ना आंटी ने आपका नंबर दिया था, अच्छा तो उन्होंने बताया था कि आप जो है यूके में रहती हैं। मैं दरअसल वहां पर जो है ना आ रहा हूँ, तो मुझे जगह चाहिए जो है रहने के लिए। तो वहां वो कह रही थी कि शायद आप जो है किसी बंदे को जानती हो वहां पर, जो है जगह वगैरह जो है ढूंढ के दे सकती हैं। आपकी आंटी का नाम क्या है? हाँ जी, आपकी आंटी का नाम क्या है? फिरदौस। मैं तो किसी फिरदौस को नहीं जानती हूँ अच्छा, जी। मैं आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? बताना पसंद नहीं करूंगी आप गुजरात के रहने वाले हैं? जी। नहीं क्योंकि मेरे नानके जो है ना वो वहां से हैं, गुजरात से, वो जलालपुर चट्टा के, तो मेरे ख्याल से वहां से आपको जानती हैं। लेकिन मैं तो वहां की हूं नहीं। नहीं अच्छा, गुजरात की नहीं है? नहीं 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 अच्छा अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा जी। अच्छा 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 तो ये बात है। ना ही मुझे, ना मैं किसी फिरदौस नामी है किसी आंटी को जानती हूँ, ना ही मुझे पता है, और ना ही मैं यहाँ पे हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता हाउसवाइफ है तो वैसे जी। आप जो है बता सकती हैं कि वहां पर कमरा मिलना मुश्किल है या जो है इजी है, मिल जाता है कमरा नहीं, मिल जाता है। आपके आसपास कहीं कमरा वमरा हो? नहीं यहाँ तो नहीं है क्योंकि ये तो टाउन है, ज्यादातर सिटीज में होता है, मैनचेस्टर सिटी में होगा यहाँ अच्छा, इस तरह। तो आप लोग कहाँ पर रहते हैं? हम रहते हैं ओल्डन जी। अच्छा, ओल्डन। तो जॉब आप भी इजी मिल जाती है? डिपेंड है, आजकल तो जॉब नहीं है। आजकल जॉब नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा मुश्किल अच्छा आजकल तो, जिन लोगों की थी निकाल दिए हैं। अच्छा अच्छा तो वैसे आप जॉब करती हैं या आपके हस्बैंड नहीं क्या नहीं मैं नहीं हाउस करती, मैंने बताया हाउसवाइफ मैं हैं? हाउसवाइफ हूँ अच्छा अच्छा बच्चे बच्चे हैं आपके? जी। अच्छा, माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? नो, ये बहुत पर्सनल डिटेल है, मैं नहीं नहीं, दूंगी मैं बिल्कुल आपको। समझता हूँ, जो है ना समझता हूँ आपकी बात को। वैसे जो है ना मैं पहले भी यूके आया, उस वक्त मैं जो है ना ईस्ट लंदन गया था, तो वहां से फिर मैं जो है 2 महीने बाद जो है ना पैसे पूरे करके पाकिस्तान चला गया था। तो अब मैं दोबारा आ रहा हूँ, लेकिन मेरा वहां पर कोई दोस्त वोस्त नहीं रहता। तो वो आंटी फिरदौस ने नंबर दिया था आपका। जानती हैं या कैसे नंबर मिल गया अच्छा, जी। जी तो ये मसला हो गया। आप तो नहीं वैसे क्या नाम है, ये अच्छे एरिया में आप रहती हैं कि ये गांधी है जो पाकिस्तानियों वाला जैसे, वो ईस्ट लंदन में है? नहीं ओल्डम डिफरेंट है, अच्छा, कैसा ये एरिया? नॉर्थ, जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है वो डिफरेंट होता है अच्छा, जी। वहां पर देसी स्टोर वगैरह पास ही है? है कुछ जो एरियाज हैं, मतलब अपने लोगों के, उनमें है अच्छा फरजाना जी, ये एक और बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जी। पूछे ये बताइए कि अगर मैं वहां पर आ जाऊं, तो ऐसा कोई चक्कर है कि मेरी शादी हो जाए वहां पर पक्का होने के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप मुझे लड़की ढूंढ के दें, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहां पर जो, मैं वैसे पक्की शादी करना चाहता हूँ, ये नहीं कि जो है ना वो लड़की को लेकिन 2 साल बाद छोड़ दूँ। मुझे नहीं पता, ना ही हम लोगों को कोई ऐसा है अच्छा, मालूम या कुछ। आप लोग सॉरी, तो आपको वैसे किसी ने नंबर दे दिया, लेकिन मैं बिल्कुल इस बारे में मौजू नहीं हूँ, अच्छा आप अच्छा ट्राई करें किसी और को ढूंढने की बात सुनिए, जी। तो अगर भी हो है, मैं आपको जो है 500 से 1000 pounds जो है 2 weeks के दे दूं। नहीं, पैसे मैटर ही करते हैं, बस हम इन मसलों में पढ़ने ही नहीं चाहते हैं, ना ही मेरी इतनी है, नहीं, मैं शादी के अफोर्ड कर चक्कर में सकती नहीं। हूँ। अगर मैं आपको 500 से 1000 pounds दूं, तो आप मुझे वीक से 2 वीक सिर्फ वहां रख लें, मैं फिर आके अपना बंदोबस्त कर लूंगा। नहीं, हम नहीं एकोमोडेशन कर छो सकते, हमारी छोट फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ बिल्कुल नहीं, छोटे में किसी कोठरी में?
कोठरी में भी जगह दे देना, छोटी सी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, हम बाहर से किसी को बात भी नहीं करते हैं, रखना तो एक दूर की बात है। अच्छा, तो आपके जी हस्बैंड कहाँ से हैं? यहीं पे है। नहीं, मैंने कहा पाकिस्तान, लाहौर से हैं, पिंडी से हैं, कहाँ से हैं? मैं नहीं बताऊंगी, सॉरी। वो क्यों? नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं इधर तो मैसेज कुछ होगा या नहीं, लेकिन मैं नहीं दूंगी, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप वैसे ही नहीं, दूर टाइम की वेस्ट वाली जगह। बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। चले ठीक है फिर वैसे एक बात बताऊं आप। मैं आपको, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपकी आवाज जो है ना वो करीना की तरह लगती है मुझे। होगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ठीक चलें, बात सुने, है एक ओके और बात मैं देन आपको बताऊं। हेलो, बोले। जी फरमाए। बुरा मत मनाइएगा, मैं वैसे जो है ना अच्छे दोस्तों की तरह आपसे बात कर रहा हूं। ये जो है ना झूठ नहीं मैं बोल रहा, वैसे आपकी आवाज बहुत प्यारी है, और मेरी एक दोस्त थी वहां पर यूके में, उसके साथ भी आपकी आवाज बहुत मिलती है। तो प्लीज मेरा कुछ सोचें, जो है मैं मजबूरी में हूँ इस वक्त, बहुत मजबूर इंसान हूँ। प्लीज प्लीज जो सॉरी है सॉरी, आप थोड़ा मैं सा आपकी कोई सोच मदद नहीं लें, कर सकती हूँ। थोड़ा सा जो है मैं उधर वहां पर नहीं, रहूंगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा आपकी कोई मदद नहीं सा। कर सकती। हमारे घर इस वक्त मेहमान भी आए हुए हैं, और वैसे भी मैं इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहती, ना ही मैं आपको जानती हूँ, ना ही मैं किसी को जानना चाहती हूँ। खाना अब वाना पकाया कोई आपके घर तो मेहमान है, खाना वाना अच्छा पक्का होगा। आपका मतलब नहीं है। अच्छा भाई, वो ओके तो सही बात है, मेरा मतलब नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, पकाया भी है कि वैसे ही खाली पेट ही बेन है घर पर। नहीं चले ठीक है ना। अच्छा बात तो सुन रहे हैं। हेलो।